नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के 27 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानने वाले हैं कि इस फिल्म ने अपने 27 दिनों में कितने करोड़ की कमाई कर ली है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेडी सुपरस्टार कंगना रनौत की इस फिल्म को 25 जनवरी के दिन ऑल ओवर इंडिया में 3000 स्क्रीन्स पर लगाया गया था और इस फिल्म के साथ 5 से 6 फिल्में क्लैश हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन काफ़ी अच्छी कमाई की थी। बताए दोस्तों कि इस फिल्म के साथ हिंदी भाषा में तो ठाकरे फिल्म क्लैश हुई थी, वहीं इस फिल्म से तमिल और तेलुगु में भी कई सारी फिल्में क्लैश हुई थी, लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म ने अपने पहले दिन कमाए थे 8.75 करोड़ रुपए, जो कि एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म के लिए काफी अच्छे कलेक्शन कहा जा सकता है। अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग पहले हफ्ते के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में कमा लिए थे 61.15 करोड़ रुपए, जो कि एक काफी अच्छा कलेक्शन है किसी भी वुमेन सेंट्रिक फिल्म के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले कंगना रनौत की फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न ने भी 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। वहीं अगर बात करें हम लोग मणिकर्णिका के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म ने भी अपने चौथे हफ्ते में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के चौथे वीकेंड के जो कलेक्शन आए थे वो रहे थे तकरीबन 4 करोड़ रुपये, जिससे कि इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन था वो हो चुका था 100.30 करोड़ रुपये। वहीं इस फिल्म ने अपने 25वें और 26वें दिन में कमाए थे 40 लाख और 35 लाख रुपये और अपने 27वें दिन भी ये फिल्म तकरीबन 30 से 35 लाख रुपये की कमाई कर सकती है, जिससे कि इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो हो चुका होगा 101.50 करोड़ रुपये। दोस्तों बता दें कि इस फिल्म को अभी भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है, ऑल ओवर इंडिया में इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया गया। आज भी इस फिल्म को जो स्क्रीन्स है उसके हिसाब से अगर ऑक्यूपेंसी देखी जाए तो इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी है 60% की, जो कि एक काफ़ी बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारी नई फिल्मों के रिलीज होने के बाद इस फिल्म की स्क्रीन्स तो काफ़ी कम कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी ये फिल्म काफ़ी अच्छी ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही है। अगर बात करें इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने काफ़ी अच्छी कमाई की है, जहां ओवरसीज में इस फिल्म का कलेक्शन हो चुका है 32 करोड़ रुपए, वहीं ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 160 करोड़ रुपए को टच कर चुकी है। तो दोस्तों इसी के साथ ये फिल्म 125 करोड़ रुपए का बजट अपना रिकवर कर चुकी है और दोस्तों सैटेलाइट राइट और म्यूजिक राइट के साथ ये फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। तो इस तरह से ये फिल्म हो चुकी है सुपरहिट और दोस्तों कंगना रनौत के नाम एक और रिकॉर्ड हो चुका है कि उन्होंने 2 फिल्में अपने दम पर 200 करोड़ के क्लब में शामिल की है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले तनु वेड्स मनु का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था तकरीबन 260 करोड़ रुपए, वहीं मणिकर्णिका का भी कलेक्शन तकरीबन 200 करोड़ रुपए का हो सकता है। तो इस तरह से कंगना रनौत बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन अभिनेत्री निकल कर आई है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मणिकर्णिका जैसी और फिल्में बननी चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।